राजपाल टोयोटा अपनी नई 3S फैसिलिटी सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट्स के साथ अब आपके अपने शहर सागर में भी आज ही आए और ले जाए अपनी पसंदीदा टोयोटा कार। जबलपुर में गुरुवार को नगर निगम के सहायक आयुक्त वेद प्रकाश चौधरी को कुछ वकीलों और उनके समर्थकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। विवाद जर्जर मकान को तोड़ने को लेकर शुरू हुआ था। दोनों पक्षों की ओर से ओमती थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। नगर निगम की ओर से बताया गया कि मड़ाताल गुरुद्वारा के पास सुशीला शुक्ला का मकान जर्जर हो चुका है। मकान में 7 किराएदार हैं। जर्जर मकान तोड़ने के लिए नगर निगम से नोटिस जारी हुआ था। नोटिस पर कोर्ट से स्टे ले लिया गया था। इस स्टे को जर्जर मकान की फोटोग्राफ और भवन अधिकारी की रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेश किया गया। 22 सितंबर को कोर्ट ने स्टे हटा दिया। गुरुवार दोपहर के बाद नगर निगम का अमला जर्जर मकान तोड़ने पहुंच गया। सहायक आयुक्त वेद प्रकाश चौधरी के मुताबिक इसकी सूचना SGM, SP और ओमती थाने को दी गई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह अमले के साथ मकान तोड़ने पहुंच गए। इसी मकान में पेशे से वकील शार्दुल ठाकुर भी रहते हैं। उन्होंने और उनके साथियों ने मकान तोड़ने का विरोध किया। इसे लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। ओमती TI SPS बघेल के मुताबिक दोनों पक्षों की ओर से शिकायत की गई है। वकील शार्दुल ठाकुर ने नगर निगम के सहायक आयुक्त वेद प्रकाश चौधरी समेत दूसरों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं वेद प्रकाश चौधरी की ओर से शार्दुल ठाकुर सहित कुछ वकीलों और अन्य के खिलाफ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की शिकायत दी है। दोनों प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है। शिकायत इस प्रकार थी कि मैं वेद प्रकाश जी के पास गया था, मकान का इन्हें नोटिस दिया था कि मकान जर्जर स्थिति में तोड़ दिया जाएगा, पर मैंने इसका पालन करते हुए मकान को पूर्ण रूप से बना लिया। उसकी फोटोग्राफ्स लगा के मैंने आवेदन बना के इनको पूर्णतः दे दिया था। उसके बाद भी मैंने बोला अब इस मकान में तोड़ने की किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने इस मकान को पूरी दुरुस्तीकरण करवा लिया है, पर उन्होंने मेरे से बोला कि पर मैं तोड़ूंगा, इसके लिए आप मुझे 1.5 लाख रुपये दो, नहीं तो मैं इस मकान को तोड़ूंगा, मुझे ऊपर से आदेश है। तो मैंने बोला आपके पास किसके आदेश हैं, कोर्ट के हैं किसके? बोले मैं कोर्ट का आदेश नहीं मानता। एकता पराशर से इन्होंने 1.5 लाख रुपये लेके मकान तोड़ने का निर्णय लिया है। ये व्यक्तिगत रूप पे लिया है, किसी प्रकार का इनके पास उस बारे में किसी कोई डॉक्यूमेंट्स या किसी भी प्रकार का इन्होंने मेरे को प्रस्तुत भी नहीं किया। बस एक रट लगाएं, या तो आप पैसे दे दो या तो मैं तोड़ दूँगा। इस बात को लेकर मैं भैया के साथ आया रहा ज्ञापन देने, तहसील भैया के साथ। ये मकान 3 पट्टी के पास में है, अंकुर लाज के बाजू से, जो एक ट्रस्ट की ज़मीन है और जो एकता पराशर है वो भी अनैतिक रूप से उसमें गतिविधियाँ करती हैं और अपना कब्जा शो करने के लिए ये पूरा इनने लगभग 1.5-2 लाख रुपए लिया। इनने पैसे लेने के बाद जबरन उस मकान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें पुलिस बल का भी उपयोग किया जा रहा है। सीधे स्पष्ट बोलते हैं कि हम तो मकान तोड़ के जाएंगे, चाहे कुछ हो, चाहे कलेक्टर का आदेश ले आओ, चाहे कमिश्नर महोदय का आदेश ले आओ, चाहे हाईकोर्ट का आदेश ले आओ, हम किसी भी आदेश का पालन न करते हुए वो अपनी मनमानी पे उतारू हैं। इसलिए आज ज्ञापन देने आए माननीय आयुक्त महोदय को कि उनकी जबरदस्ती ये गतिविधियाँ हैं और पैसे लेके जो जबरदस्ती किसी के मकान को बेघर करते हैं मकान, इसके खिलाफ उनकी शिकायत देने आए हम माननीय आयुक्त। हाँ, 1.5 लाख रुपए की मांग की, अगर 1.5 लाख रुपए देते हो तो आपका मकान नहीं तोड़ेंगे, अगर नहीं दोगे पैसे तो हम तोड़ देंगे। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश, लेकिन ये जो महोदय हैं वेद प्रकाश चौधरी जी किसी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और इन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को भी। जबलपुर से हरीश दुबे, सागर TV न्यूज। राजपाल टोयोटा अपनी नई 3S फैसिलिटी सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट्स के साथ अब आपके अपने शहर सागर में भी आज ही आए और ले जाएं अपनी पसंदीदा टोयोटा कार। हमारा पता है बहिरिया चौराहा, जबलपुर रोड, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। फोन नंबर है 07582292635, 9425301534।